किंतु होगा परंतु होगा कोई प्रश्न होगा कि विश्व में तो ऐसा कहते हैं कि जो गलत काम करेगा वही आगे जाता है, धर्म वाला आगे नहीं जाता, ऐसा एक लोकोक्ति है, लोगों में एक ऐसा विचार है। वो स्वामी जी का उदाहरण देख ले तो समझ में आएगा कि धर्म को लेकर, श्रद्धा को लेकर, संस्कृति को लेकर, भक्ति को लेकर, श्रद्धा को लेकर जो कार्य खड़ा किया जाता है वो तो विश्व भर में कैसा फैलता है। स्वामी जी ने जो छोटा सा पौधा पतंजलि संस्था के नाम से हरिद्वार में लगाया था, आज विश्व भर में वटवृक्ष के दरों में फैल रहा है। धर्म की क्रांति हो रही है, विश्व भर में वैदिक सनातन धर्म का विचार आज फैल रहा है। क्या बलिदान के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है, ये स्वामी जी ने अपने जीवन में कर दिखाया। अल्प से काल में जो एक विशाल कार्य इन्होंने खड़ा किया है उसके अनुयायी केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। स्वामी जी को मैं एक अनुभव बताना चाहूंगा। एक बार मैं जर्मनी में था, अग्निहोत्र के प्रचार के लिए जर्मनी में मैं गया हुआ था। तो 8-10 दिन हमने गाँवों में प्रचार किया और एक दिन बहुत भूख लगी थी, कहा था भारतीय भोजन 10 दिन से नहीं खाया था। तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे भारतीय कोई होटल है, तो उन्होंने कहा कि छोटा सा गांव है वहाँ पे एक ही होटल है, वहाँ पे जाके आप खाना खा लीजिए। तो 7:15 बजे से हम होटल में गए तो टीवी पे स्वामी जी का योग शिविर चल रहा था और वहाँ पे कुछ जर्मन लोग बैठ के खाना खा रहे थे। वो पूछ रहे थे आपस में ये कौन है, तो मैंने 5 मिनट उनको समझाया कि स्वामी जी कौन है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, योग क्या है। तो जो मालिक और कर्मचारी वो सुन रहे थे मेरी बात, तो सब वो जो खाना खा के जो जर्मन लोग निकल गए तो सारे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जो बात स्वामी जी के बारे में आपने अभी कही इसको सुनने के बाद आपको होटल का खाना हम नहीं खिला सकते, आपको घर का खाना हम खिलाएंगे। तो स्वामी जी के भक्त थे, इतने भक्त, इतने निष्ठावान कर्म सैनिक जिसको बोलते हैं, स्वामी जी ने निर्माण किए हैं और उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष, उनके मार्गदर्शन पर चलकर एक वैश्विक धर्म कार्य हमको करना है। आप सब इससे जुड़े हैं, काफी अरसे से जुड़े हैं, कई काफी ज्येष्ठ प्रचारक भी यहाँ आए हुए हैं। तो त्याग, बलिदान, श्रद्धा, भक्ति का मूर्त स्वरूप स्वामी जी हैं। उन्होंने अपने जीवन कार्य से, अपने जीवन के चरित्र से ये दिखा दिया है कि धर्म को लेकर चलोगे तो यश कीर्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, श्रद्धा भक्ति भी प्राप्त होगी और ईश्वरी सानिध्य प्राप्त होगा। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा प्राप्तव्य जीवन में और कोई नहीं। तो पुनश्च एक बार स्वामी जी आपको नमन, आपको प्रणाम, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।